अस्सलाम वालेकुम सेवन क्लास, हमने कल अपना सबक मुकम्मल कर लिया था, नामुमकिन से मुमकिन का सफ़र। ठीक है, आज हम उर्दू बी का थोड़ा सा काम करेंगे। ठीक है, उसके बाद फिर जो हमारा उर्दू ए के चैप्टर का बाकी का काम है वो उर्दू बी के काम के बाद इंशाल्लाह करेंगे। ठीक है, तो आप अपनी उर्दू की ग्रामर बुक्स ओपन कर लें, गौहर कवायद इंशा आपके पास मौजूद है। ठीक है, निकाल लें और उसका पेज नंबर है 132। उसके ऊपर हम मुहावरात आज स्टार्ट करेंगे। ठीक है, आपके पास पेंसिल होनी चाहिए ताकि अगर आपको कोई मुश्किल लफ्ज लगे तो मैं उसका मीनिंग आपको बता दूं और आप उसे नोट कर लें। ठीक है, तो पेज नंबर 132 के ऊपर हमारे मुहावरात हैं जो कि डंका बजना से स्टार्ट होंगे। सबसे पहले मैं आपको थोड़ा सा समझा देना चाहती हूँ कि मुहावरा दरअसल क्या होता है। ठीक है, मुहावरा जो है वो ऐसी बातचीत है, ऐसी गुफ्तगु है जो हकीकी मायने की बजाय लफ्जी मायनों में इस्तेमाल की जाए, यानी असल मायने ना हो बल्कि सिर्फ लफ्जी मायने यानी मजाजी मायनों में इस्तेमाल हो, उसे मुहावरा कहते हैं। ठीक है, मुहावरे के अपने ही खास मायने होते हैं। ठीक है, मुहावरे का मतलब वो नहीं होता जो आमतौर पर हमें नजर आ रहा होता है। ठीक है, बल्कि उसका कुछ और ही मायने होता है जिसको मजाजी मायने कहा जाता है। जैसे मिसाल आपको मैं दे रही हूँ, ईंट से ईंट बजाना। ठीक है, अब इसका वैसे तो मतलब ये नजर आ रहा है कि एक ईंट को पकड़ा और दूसरी ईंट के साथ बजाना शुरू कर दिया, यही मतलब है ना ईंट से ईंट बजाना। ठीक है, लेकिन असल में इसका मतलब ये नहीं है, ये मीनिंग तो उसका गलत है। इसका असल मतलब ये है तबाह कर देना, तबाह बर्बाद कर देना। ठीक है, इसी तरह एक और मुहावरा है भांडा फूटना। अब इसका जो मतलब हमें नजर आ रहा है इस मुहावरे को देखकर, इसका मतलब यह है बर्तन टूट जाना। भांडा बर्तन को कहते हैं, ठीक है, भांडा फूटना यानी बर्तन टूट जाना, लेकिन ये इसका हकीकी मायने नहीं है, ये गलत मायने है। ठीक है, इसका, ठीक है, इसका जो मायने है उसका मतलब है कोई राज जाहिर हो जाना, कोई छुपी हुई बात जाहिर हो जाना, कोई भेद जाहिर हो जाना। ठीक है, इसी तरह एक और मिसाल दे रही हूँ कि आप तो फरमाते थे शेख साहब बड़े सीधे साधे आदमी हैं, उन्हें जरा भी सात पांच नहीं आती। ठीक है, सात पांच नहीं आती यानी आप तो कहते हैं कि शेख साहब बड़े सीधे बड़े मासूम से आदमी हैं, उन्हें जरा सात पांच नहीं आती। सात पांच का मतलब क्या है, सेवन और फाइव? नो, इसका मतलब है कि उन्हें बिल्कुल भी चलाकी और मक्कारी और वो तेज नहीं है बिल्कुल भी। ठीक है, फिर वो कहते हैं वो तो बड़े पांच निकले। पांच निकले का मतलब बड़े चलाक निकले, बड़े तेज तरार निकले। ठीक है, तो ये मतलब होता है कि उसका जो हकीकी मायनी जो है उसकी बजाय मजाजी मायनों में इस्तेमाल किया जाए उसको मुहावरा कहते हैं। आज हम कुछ मुहावरे पढ़ेंगे तो पढ़ने के बाद आपको कुछ अंदाजा भी हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला लफ्ज है डंका बजना, इसका मायनी है शोहरत होना। ठीक है, शायरी की दुनिया में अलामा इकबाल का डंका बजता है, यानी अलामा इकबाल शायरी की दुनिया में बहुत शोहरत रखते हैं, मशहूर हैं। डंके की चोट कहना, साफ साफ बताना, मैं तो डंके की चोट कहूंगा कि सारा कसूर आप ही का है, यानी मैं अलल ऐलान ये बात करूंगा, खुले लफ्जों में साफ साफ कहूंगा कि सारा कसूर ही आपका है। उसके बाद है रफू चक्कर होना, भाग जाना, चोर ने जूं ही चौकीदार को आते देखा रफू चक्कर हो गया यानी भाग गया। ठीक है, फिर उसके बाद है रंग फक होना, बहुत डर जाना, बच्चे ने कुत्ते को अपनी तरफ आते देखा तो उसका रंग फक हो गया यानी बहुत ज्यादा वो डर गया। फिर है रोंगटे खड़े हो जाना, इसका मतलब यही है बहुत डर जाना। शिकारी बहुत बहादुर था मगर शेर को अपने बहुत करीब देखकर उसके रोंगटे खड़े हो गए यानी वो बहुत ज्यादा डर गया। उसके बाद नेक्स्ट पेज पे आ जाएं, जुबान देना। जुबान देना का मतलब है वादा कर लेना। अब ये तो नहीं कि हमने किसी को अपनी जुबान निकाल के पकड़ा दी, ठीक है, इसका मतलब ये नहीं है, बल्कि इसका मतलब है किसी से कोई वादा करना, वादा कर लेना। मैं तो जुबान दे चुका हूँ इसलिए हर हाल में उसका साथ जरूर दूंगा,
यानी मैं वादा कर चुका हूँ इसलिए हर हाल में उसका साथ जरूर दूंगा। फिर है जिंदा दरगोर होना, जिंदगी में बहुत दुखी होना, महंगाई और बेरोजगारी के हाथों गरीब आदमी तो अब जिंदा दरगोर हो चुके हैं, यानी बहुत परेशान हो चुके हैं, बहुत दुखी हो चुके हैं। फिर है जोर पकड़ना, तेज हो जाना, आज़ादी की तहरीक ने जोर पकड़ा तो अंग्रेज हिंदुस्तान छोड़ने पर मजबूर हो गए, यानी जब आज़ादी की तहरीक जो थी वो तेज हो गई, ठीक है, आज़ादी हासिल करने की जो तहरीक थी, जो मूवमेंट थी, जब वो तेज़ हो गई तो अंग्रेज हिंदुस्तान छोड़ने पर मजबूर हो गए। ठीक है, यहीं तक बच्चों हमने आज के मुहावरे करने हैं, ठीक है। और मैं आपको तरीका बता दूं कि मुहावरा किस तरह से आपको ये पेपर में आते हैं, एक लफ्ज़ दे दिया जाता है, जिस तरह मिसाल के तौर पर मैं ये लफ्ज़ बता रही हूँ जोर पकड़ना, तो आपसे कहा जाएगा इस मुहावरे का मायने लिखें और इसको जुमले में इस्तेमाल करें, तो आपको मुहावरे का मायने भी आना चाहिए और जुमला भी अच्छी तरह से आना चाहिए। दूसरी इम्पॉर्टेंट बात, हर मुहावरे के का जुमला जैसे ही ख़त्म होगा आपने ख़त्मा ज़रूर लगाना है, अगर आप ख़त्मा नहीं लगाते तो आपके मार्क्स कट जाते हैं, ये चीज़ें आपने जहन में रखनी है। मीनिंग आपको अच्छी तरह से आता होगा तो आप उसका जुमला भी बना सकते हैं, ठीक है। आई होप कि आपको समझ आ गई होगी। कुछ मुहावरे हमने आज कर लिए हैं, कुछ इंशाल्लाह बाकी के जो मुहावरे हैं वो कल करेंगे। इन मुहावरात को आपने अच्छे से याद करना है, याद करके इनकी रिटन प्रैक्टिस ज़रूर करनी है। आज की आपकी यही डायरी है कि लर्न मुहावरात, ये जो आज आपको जितने मुहावरात करवाए हैं ये आपकी आज की डायरी में शामिल है, ठीक है। आई होप कि आपको मुहावरे की अच्छे से समझ आ गई होगी। थैंक यू।